भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट होने का आह्वान करने के कुछ दिनों बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज यानी 20 फरवरी को मुंबई आ रहे हैं, जहां वह अपने समकक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अनुसार शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके टीम को रात के खाने पर आमंत्रित भी किया है। पार्टी ने बताया कि इन बैठकों के दौरान राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केसीआर रविवार सुबह मुंबई के लिए रवाना होंगे और रात तक हैदराबाद लौट आएंगे। इससे पहले चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि इसे देश की सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए राजनीतिक ताकतों को एक साथ आने का भी आह्वान किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी कहा था कि गैर एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री जल्द ही दिल्ली में एक सम्मेलन करेंगे। बीजेपी के खिलाफ विभिन्न विपक्षी दलों को एक साथ लाने के प्रयासों के तहत केसीआर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने की भी योजना बना रहे। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने केसीआर के पहले को समर्थन किया था केसीआर के पहल को समर्थन दिया था। न्यूज डेस्क मेट्रो सिटी समाचार।